तो हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है उस पे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे आते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक्चुअली में क्या क्या है क्या? तो अगर हम सबसे सिंपल फंडा लेके चले, तो अगर हम देखेंगे वर्ल्ड मैप को, तो आपको अटलांटिक ओशन की अगर बाउंड्रीज देखनी है, जैसे ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ठीक है? तो इफ यू लुक एट दी बाउंड्रीज, दिस बाउंड्री ऑफ द साउथ अमेरिका एंड दिस बाउंड्री ऑफ द अफ्रीका, तो आपको लगेगा कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें एक पजल की तौर पे, तो जो साउथ अफ्रीका का ये हॉर्न वाला रीजन है, साउथ अमेरिका का ये हॉर्न वाला रीजन है, इट कंप्लीटली फिट्स इनटू दिस डिप्रेशन ऑफ अफ्रीका हियर, और ये वाला रीजन भी जो है ये कंप्लीटली यहाँ पे फिट करता है। ओके तो साइंटिस्ट ने भी यही सोचा था कि जो सिमेट्री है कोस्ट लाइन्स की, ये बिल्कुल ही अनकैनी है। ओके द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन द आइदर साइड ऑफ द ओशन इज सरप्राइजिंग। ओके एंड नो वंडर मेनी साइंटिस्ट थॉट दिस सिमिलैरिटी। सबसे पहले अब्राहम ऑर्टेलियस एक डच मैप मेकर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा था कि टू अमेरिकाज यानी कि यूरोप एंड सॉरी टू अमेरिकाज एंड यूरोप एंड अफ्रीका वॉज ज्वाइन टूगेदर। तो उन्होंने ये सोचा कि यार हो सकता है कि ये आपस में पहले जुड़े हुए हों। ओके क्योंकि नेचर इतना बड़ा वो नहीं बना सकता, ठीक है, कोइंसिडेंस नहीं बना सकता। एंड देन हमारे साइंटिस्ट आए, एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे। मीटरोलॉजिस्ट का मतलब जो होता है वो होता है कि जो एटमोस्फेयर की स्टडी करता है। तो एल्फ्रेड वैगनर थे, एल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ही इसी को देख के एक अपनी थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल आपको पता है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1912 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी, एंड दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू वेगनर। ओके एंड ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशन सराउंडेड द सेम। तो उसने ये बोला कि जितने भी कॉन्टिनेंट अभी हमें प्रेजेंट में दिख रहे हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे और उनके चारों तरफ एक बड़ा सा ओशन था। तो इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम, यानी कि जब जितने भी कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, उसका नाम था पेंजिया, राइट? ये आपने सुना होगा। और उसके चारों तरफ जो ओशन था वो था पैंथलासा। ये एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी में लिखा। ओके एंड ही आर्ग्यूड, उसने आर्ग्यू किया कि लगभग 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन ईयर पहले, या आप कह सकते हो कि 20 करोड़ साल, राइट? तो 20 करोड़ साल पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, और फिर मतलब 20 करोड़ साल तक था, और उसके बाद ये स्प्लिट होने लग गया था, यानी कि टूटने लग गया था, ब्रोक अपार्ट इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना। ओके तो अभी हम देखेंगे टाइमलाइन में, तब आपको समझ आ जाएगा, जब मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा इसके। तो लॉरेशिया और गोंडवाना में ये टूट गया। तो पेंजिया लगभग 200 साल पहले ब्रोक इनटू योर लॉरेशिया एंड गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, सॉरी। ओके फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड सदर्न कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। तो जो लॉरेशिया था, लॉरेशिया ने आपके जो नॉर्दर्न वाले कॉन्टिनेंट थे उसको ऑक्यूपाई कर, मतलब उससे बना हुआ था, ठीक है? तो आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया वर पार्ट ऑफ योर लॉरेशिया। वहीं जो गोंडवाना लैंड था वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, योर इंडिया, ठीक है, मेडागास्कर और योर ऑस्ट्रेलिया, इन सबको मिलके बना हुआ था, राइट? और फिर ये लॉरेशिया और गोंडवाना कंटिन्यू टू ब्रेक अपार्ट एंड फॉर्म द कॉन्टिनेंट्स दैट वी सी टुडे। ओके फिर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एविडेंस में, जो सपोर्ट में जो एविडेंस आए वो क्या क्या थे? एक था कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, रिमेंबर दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ओके दिस कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन एग्जामिनेशन कि भाई कौन कौन से जो आपके एविडेंस हैं वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ओके और ये मैंने एनसीईआरटी से लिया, एंड रिमेंबर एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके
तो द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वैसे तो जियोलॉजी में आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी, तो द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जिसको हम बोलते हैं जिग्स ऑफ फिट, तो पहला एविडेंस ये था कि भाई जो कॉन्टिनेंट हैं वो आपस में फिट हो रहे हैं, अगर हम उनको जोड़ाएंगे आपस में तो वो आपस में फिट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस इमेज हियर, तो ये आपका अफ्रीका है राइट, एंड दिस वन इज योर साउथ अमेरिका राइट, ये आपस में मिल रहे हैं। वैसे ये नॉर्थ अमेरिका है एंड इधर ग्रीनलैंड है, इधर आपका एशिया एंड यूरोप वगैरह ठीक है, ये आपस में मिले हुए हैं, तो ये एक फिट हो रहे हैं, रिमार्केबली फिट हो रहे हैं ठीक है। हियर यू कैन सी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, एंड दिस वॉज द पोजिशन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट 300 मिलियन ईयर्स अगो, एंड प्रेजेंटली यू कैन सी दे हैव स्प्लिट अपार्ट। यहाँ पे बीच में एक बड़ी सी मिड ओशनिक रिज जा रही है, मिड अटलांटिक रिज जिसको बोलते हैं ठीक है, एंड हियर इज योर अपलेशन माउंटेन, तो ये आपस में जुड़े हुए थे पहले, यहाँ पे माउंटेन रेंज बन गई थी कोरिजन के कारण ठीक है, तो एपलेशन एंड कैलिडोनियन माउंटेन्स जो कि यूरोप में है। तो दिस वॉज वन ऑफ द एविडेंस कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट थे ये आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा, रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन, तो जब जियोलॉजिस्ट ने रॉक की एजेस नापी, तो अगर मान लो ये साउथ अमेरिका ब्राजील में उसने इस कोस्ट में रॉक की एज नापी और इस कोस्ट में रॉक की एज नापी, तो पाया कि दोनों की दोनों रॉक्स जो हैं वो सेम एज की हैं। ओके, अब सेम एज की हैं तो मतलब ये आपस में जुड़ी होंगी, तभी तो सेम एज की हो सकती हैं राइट। फिर टेलाइट नाम से एक आपका सेडिमेंट्री रॉक होती है जो कि जनरली वेरी कोल्ड ग्लेशियल इन्वायरमेंट में हमें डिपॉजिट देखने को मिलता है इसका, टेलाइट का। तो उसने ये देखा कि जो गोंडवाना लैंड वाले जो कॉन्टिनेंट है राइट, यानी कि इफ यू लुक एट दिस हियर, दिस इज सॉरी दिस इज लॉरेशिया एंड दिस इज गोंडवाना लैंड। ओके, तो गोंडवाना लैंड मैंने बोला था कि जो सदर्न कॉन्टिनेंट्स हैं उनको मिलके बना हुआ था ठीक है, यानी कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑल दीज। तो उन्होंने देखा कि जो टिलाइट वाले सेडिमेंट्स हैं वो सारे कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिल रहे हैं और सबकी एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं ठीक है, साउथ अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, इंडिया में भी एंड ऑस्ट्रेलिया में भी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है कि जब ये आपस में जुड़े हुए हों। ओके, तो एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टिलाइट रॉक इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन। तो क्योंकि उस समय जो आप गोंडवाना लैंड आपस में जुड़ा हुआ था और ये जनरली सदर्न हेमिस्फीयर में था राइट, यू कैन सी दिस पार्ट इज इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड एक्सट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे ग्लेशिएशन भी हो रखा था उस समय, और ग्लेशिएशन जब था तो ये टिलाइट के जो डिपॉजिट होते हैं ठीक है, एक तरीके के सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, तो वो सब जगह होंगी, और जब ये पुल अपार्ट हो गया, ब्रेक अपार्ट हो गया, तो ये हमें साउथ अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, अफ्रीका में भी देखने को मिल रहा है, इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, एंड अंटार्कटिक में भी देखने को मिल रहा है, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है। ओके, सो दिस वाज द एविडेंस फॉर टिलाइट। फिर प्लेसर डिपॉजिट, एक तरीके का जो गोल्ड डिपॉजिट होते हैं ठीक है, तो जो ब्राजील में भी देखने को मिल रहे हैं और आपके घाना यानी कि अफ्रीका में भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का एविडेंस है। फिर फॉसिल, ऑब्वियसली बात है कि भाई जब लैंड जुड़ी होगी ठीक है, तो एक फॉसिल था मेगालोसॉरस नाम से, सॉरी मीजोसॉरस नाम से। ओके, तो उन्होंने देखा कि जो मीजोसॉरस है वो आपको अफ्रीका में भी देखने को मिल रहा है एंड यूर साउथ अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है राइट, यहाँ पे भी मीजोसॉरस है, यहाँ पे भी मीजोसॉरस है। अब ये तभी हो सकता है कि यार जब ये आपस में जुड़े हुए हो ठीक है, अगर आपस में जुड़े हुए नहीं होते और बीच में ओशन होता तो मीजोसॉर क्या हो सकता है, तैर के नहीं जा सकता यहाँ पे ठीक है, इट कांट स्विम बिकॉज इट्स अ लैंड एनिमल। ओके, एंड इट इज ओनली पॉसिबल कि ये आपस में जुड़े हुए हैं और तभी ये माइग्रेट कर रहे हो इधर से उधर। ओके, तो फॉसिल वॉज ऑल्सो द एविडेंस। फिर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जब ये थ्योरी आई तो उसके बाद और भी थ्योरीज आगे आई, उसमें से आर्थर होम की एक थ्योरी थी कन्वेंशनल करंट थ्योरी ठीक है,
कन्वेंशनल करंट थ्योरी बेसिकली क्या थी कि ये इस थ्योरी ने बताया कि जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं कॉन्टिनेंट्स वो किन फोर्सेस से हो रहे हैं। ओके तो जो एल्फ्रेड वेगनर ने अपने वो दिए थे, बताया था कि भाई कौन कौन से फोर्सेस से हो रहे हैं, वो फोर्सेस काफी वो जो थ्योरीज थी वो काफी वेग थी। ओके उसने ये तो बता दिया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट हो रही है, लेकिन किस कारण से हो रही है वो ये नहीं बता पाया था। ओके तो उसने जो फोर्सेस बताए थे वेगनर ने, रिमेम्बर द ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर, तो उसने बताया था कि एक पोलर फ्लिंग फोर्स होता है और एक टाइडल फोर्स होता है, उसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दीज थ्योरीज आर डिस्कार्डेड बाई मॉडर्न साइंटिस्ट। तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने ये थ्योरी कब डिस्कार्ड की, जब आर्थर होम ने अपनी ये कॉन्वेक्शन करंट वाली थ्योरी दी, तो उसने ये बोला कि भाई जो मेंटल वाला पोर्शन है, क्योंकि मेंटल पोर्शन में हमारा जो मैग्मा होता है, ठीक है, कुछ जो अपर मेंटल होता है या एस्थनोस्फेयर वाला पार्ट हो रहा है वो मोबाइल है, तो जो मैग्मा होता है, ठीक है, या जो कन्वेक्शन करंट इनको हम बोलते हैं, ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन, ठीक है, तो जो हीट होती है, कहीं कहीं पे हीट ज्यादा होती है और कहीं कहीं पे कम होती है, तो ड्यू टू दैट यहाँ पे कन्वेक्शन करंट हमारी बन जाती है, मेंटल प्लूम्स टाइप के बन जाते हैं, और दीज आर साइकिल्स, ओके, और करंट लाइक साइकिल्स एंड विच कॉज द प्लेट टू, और यू वैसे हम टेक्निकली इसे प्लेट बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट, लेकिन अभी हम क्योंकि ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं तो अभी हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं इन कन्वेक्शन करंट के कारण, ठीक है, तो दीज कन्वेक्शन करंट आर नथिंग बट एक्चुअली द मेंटल मटेरियल विच आर मूविंग, बट दीज आर मूविंग वेरी स्लोली, ओके, वेरी स्लो, लाइक 1 सेंटीमीटर पर ईयर, इसके हिसाब से ये मूव करते हैं। ओके डोंट गेट कंफ्यूज कि ये वाला पोर्शन लिक्विड है, रिमेंबर दिस इज सॉलिड बट इट कैन बी डक्टाइल एट सर्टेन लोकलाइज रीजन ड्यू टू हीट डिफरेंसेस। ओके ये वाला रीजन जो हमारा है वो लिक्विड है, आउटर कोर। तो उसने ये बोला कि भाई ये कन्वेक्शन करंट जो है मेंटल में वो हमारी प्लेट या फिलहाल कॉन्टिनेंट्स को ड्राइव कर रहे हैं। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आर्थर होम्स ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी थी 1930। फिर बाकी जो थ्योरी थी वो थी पोलर वॉन्डरिंग, सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरीज, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। तो कन्वेक्टिव करंट तो हमने देख लिया, आर्थर होम्स ने देता। अभी हम जो मॉडर्न थ्योरी रहेगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वो आएगी प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये हम अभी हम पढ़ेंगे। तो इतनी ये बात रही हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। तो अभी हम देख लेते हैं टाइमलाइन कि भाई अर्थ पहले कैसे थी और कौन से टाइमलाइन में कैसे थी, राइट। सो हियर यू कैन सी इन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन द टाइमलाइन व्हिच इज फ्रॉम कैम्ब्रियन टू मॉडर्न होलोसीन एपोक। ओके तो आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसे पढ़ा ही होगा क्योंकि आप जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो जो पैंजिया था हमारा, यानी कि जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था, वैसे इससे भी पहले बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में भी, लेकिन जो परमियन पीरियड यानी लगभग 300 से 250 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 30 करोड़ से 25 करोड़ साल पहले, पैंजिया जो था वो सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। फिर पेंजिया ने ब्रोक किया लगभग लेट ट्रायसिक, ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स में, तो इट स्टार्टेड टू ब्रोक अपार्ट इनटू गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया, ठीक है। तो रिमेंबर लॉरेशिया यानी कि जो नॉर्थ वाले हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड गोंडवाना लैंड क्योंकि हमारे सदर्न कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें पेंजिया स्टार्टेड टू ब्रेक अपार्ट। फिर जुरासिक पीरियड में फिर ये जो लॉरेशिया और गोंडवाना भी है उन्होंने ब्रेक करना चालू किया,
फिर क्रिटेशियस में, यानी कि जब हमारा डायनासोर्स खत्म हुए थे उस समय जो मेडागास्कर वाला पार्ट है, इट स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द अफ्रीका। ओके, ये जो नीचे यहाँ है, ये स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट अवे। फिर वहां से हमारा इंडिया वगैरह ये भी ड्रिफ्ट करना चालू हुआ। तो इंडिया आपको पता है कि यूरेशियन प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट करना चालू हुआ लगभग 70 मिलियन ईयर्स पहले। एंड मॉडर्न जो आपको पता है कि मॉडर्न जो कन्फिग्रेशन है वो ऐसी है, राइट? सो दिस क्वार्टनरी पीरियड में ये पूरा अटैच हो गया था यूरेशियन प्लेट्स। तो अब ये मॉडर्न जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस वॉज दी ब्रीफ समरी ऑफ योर पैंजिया एंड इट्स ब्रेकअप। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे कि सी फोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं। तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्या है, एडवांस वर्जन है, मॉडर्न वर्जन है, जिसको अभी हम मानते हैं। ओके, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो अपने आप में ही एक ब्रेक थ्रू थी, क्योंकि वहीं से हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी आई है। तो अभी हम ओशन फ्लोर का कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। जो मैंने पहले भी बताया था कि भाई कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओके, एंड योर फिर यहाँ पे अबिसल प्लेन आ जाता है। ओके, तो कॉन्टिनेंट मार्जिन, दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन्स। ओके, तो क्या क्या इंक्लूड करता है, शेल्फ, स्लोप, राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस। साथ ही साथ जो ओशन फ्लोर में एक सबसे बड़ी जो फीचर होता है, लैंडफॉर्म होता है, वैसे तो हम ओशनोग्राफी में अभी हम सारे लैंडफॉर्म पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन थोड़ा ब्रीफ इसमें पढ़ लेते हैं कि मिड ओशनिक रिज क्या होती है। मिड ओशनिक रिज क्या होती है कि भाई ये एक माउंटेन सिस्टम है, ठीक है, सी में, ओशन में। इट्स अ चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द सी। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू सबमर्ज अंडर द दो सबमर्ज अंडर द ओशनिक वाटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन की बात करें तो हमारी मिड ओशनिक रिजेस हैं, ठीक है। अब मिड ओशनिक रिजेस कैसे बनती हैं वो हम आगे, चलो वो अभी देख लेते हैं। होता क्या है, वो जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, बट अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि होता क्या है, जब मैग्मा क्या करता है, राइस करता है, तो वो यहां से निकलता है, ठीक है, अपना राइस कर रहा है एंड इज पुलिंग अपार्ट द सरफेस। ओके, इन दिस फैशन। और यहां पे ये राइज कर रहा है, तो यहां पे जहां पे राइज कर रहा है वहां पे क्या है, एक रिज टाइप की बन जाती है या माउंटेन सिस्टम बन जाता है। ओके, एंड इट इज पुलिंग अप पार्ट द ओशन फ्लोर, क्योंकि मैग्मा तो क्या करेगा, ऊपर आएगा तो इट विल पुल अपार्ट द ओशन फ्लोर। ओके, ड्यू टू कन्वेक्टिव सेल्स और साइकिल्स। तो इस तरीके से कन्वेक्टिव जो करंट है वो ऐसे जा रही है, और ये जो हॉट मोल्टन रॉक जो रॉक है वो क्या कर रही है, प्लेट्स को पुल अपार्ट कर रही है, एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे रिज क्रिएट हो रही है, माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मिड ओशनिक रिज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, ये जो सबसे बड़ी मिड ओशनिक रिज है वो आपकी मिड अटलांटिक रिज है, दिस वन। यहाँ पे आप देख रहे हो एरो इज ऑफ पुलिंग अपार्ट। तो और भी रिजेस हैं, जैसे कि ईस्ट पैसिफिक राइज है ये वाला, ये भी एक तरीके की मिड ओशनिक रिज है। ओके, और यहां पे क्या होता है, इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। फिर ये एक मैप है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। ये है अर्थक्विक जो जोन्स हैं, और जो शैलो अर्थक्विक सेंटर्स हैं या वॉल्केनिक एरप्शंस हैं, हॉटस्पॉट हैं, उनको हम देख लेते हैं मैप में। वैसे हम इसको जब वॉल्केनोस पढ़ेंगे अच्छे से तब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो हियर यू कैन सी जो आपको डॉट दिख रहे हैं, ब्लैक डॉट्स, लार्ज ब्लैक डॉट्स, दीज आर कॉल्ड हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। ओके, हॉटस्पॉट एक्चुअली में क्या होता है कि भाई जब मैग्मा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोर से निकलता है, ठीक है, कोर, आउटर कोर से, आउटर कोर से एक
ये हमारा सरफेस है, लेट्स से, एंड दिस इज योर आउटर कोर, और यहां से ये एक मेंटल प्लूम के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, एक मशरूम शेप्ड हॉट मोल्टन मटेरियल होता है मेंटल का, ठीक है, जो कि अटैच रहता है कोर से, आउटर कोर से। तो जब ये सरफेस पे पहुंचता है तो ये एक हॉट स्पॉट बनाता है, बहुत ही लार्ज वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल हवाई, ठीक है। तो हवाई में आपको, आपने नेट में भी देखा होगा कि हवाई में वॉल्केनिज्म हो रहा है, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अ हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म, ठीक है। तो ये सबडक्शन जोन पे नहीं होता है, ये इंट्रा प्लेट होता है, ठीक है, ये ओशनिक प्लेट में भी हो सकता है या कॉन्टिनेंटल प्लेट में भी हो सकता है, लेकिन इट्स अ लोकलाइज्ड हॉटस्पॉट ऑफ लोकलाइज्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे हवाई है तो ये ओशनिक प्लेट में है, ठीक है, ये आपको देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, एंड दिस इज इन ओशनिक प्लेट। वैसे येल्लो स्टोन यूएसए में काफी फेमस है, आपने 2012 मूवी देखी होगी, तो उसमें येल्लो स्टोन जो वॉल्केनो रहता है वो इरप्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही गलापागोस आइलैंड, जहाँ पे डार्विन ने अपनी स्टडी की थी एवोल्यूशन की, तो वहाँ पे भी क्या है, हॉटस्पॉट है। फिर इधर रियूनियन हॉटस्पॉट है, जिसके कारण हमारा डेक्कन ट्रैप्स बने थे, ठीक है। तो ये कुछ हॉटस्पॉट की लोकेशंस हैं। फिर जहां जहां पे सबडक्शन जोन आपको दिख रहे हैं, वहां वहां पे क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन आपको दिखेंगे, जैसे रिंग ऑफ फायर मैंने बताया था, दिस इज रिंग ऑफ फायर, ठीक है, पैसिफिक में। और जहां जहां पे मिड ओशनिक रिजेस हैं, वहां वहां पे आपको शैलो अर्थक्वेक दिखेंगे, ठीक है। तो मिड ओशनिक रिजेस में आपको शैलो अर्थक्वेक मिलते हैं। शैलो अर्थक्वेक का मतलब क्या है, जो फोकस होता है अर्थक्वेक का वो ज्यादा डीप नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ 60-70 किलोमीटर के आसपास या 5-7 किलोमीटर के आसपास होता है। वहीं जो रिंग ऑफ फायर वाले अर्थक्वेक हैं, जो सबडक्शन जोन वाले अर्थक्वेक हैं, वो डीप होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से अर्थक्वेक होते हैं, वो लगभग 300-400 किलोमीटर डीप इनका फोकस रहता है, सो डीप अर्थक्वेक ये होते हैं, और इसको हम बोलते हैं बैनी ऑफ जोन, ओके। तो ये बात रही कुछ अर्थक्वेक की, और इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया, जब हम अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस पढ़ेंगे तब हम इसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ग्रेडियंट से, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ग्रेडियंट कितना होता है, ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कि कितना ये इंक्लाइंड है, राइट, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, इसका इंक्लाइन कितना है, यानी कि जब कॉन्टिनेंट से हम सी की तरफ या ओशन की तरफ जाते हैं तो ये जो फ्लो, जो ये स्लोप है वो कितना ज्यादा स्टीप है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो लगभग 0.5 डिग्री के आसपास, 0.5 से 1 डिग्री के आसपास होता है इसका ग्रेडियंट। कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो ग्रेडियंट होता है वो 3-6 डिग्री होता है, रिमेंबर। राइस का ग्रेडियंट, कॉन्टिनेंटल राइस का ग्रेडियंट 0.5 से 1 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। फिर आपके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है, या आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसको पॉज करके, वीडियो का पॉज करके इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि ओशनोग्राफी जब क्लास होगी तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, शेल्फ स्लोप एंड राइज को। तो अब हम आगे आ जाते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे। तो अभी अगर आपको लेक्चर कोहेरेंट नहीं लग रहा है तो डरिएगा मत, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आगे मैं जीसी लियोंग का रेफरेंस ले लूं, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा ना एब्रप्ट टॉपिक्स दे रखे हैं, कहीं पे एकदम से प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाती है, फिर कहीं पे एकदम से अर्थक्वेक या वॉल्केनिज्म आ जाता है, ओके। तो आई विल नाउ फॉलो द जीसी लियोंग पार्ट, और उसमें मैं एनसीईआरटी के इनपुट्स डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि जीसी लियोंग में काफी कोहरेंट है फिजिकल ज्योग्राफी। और ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो लेक्चर चल रहे हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी पे चल रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पे नहीं चल रहे हैं, ना ही वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट क्या क्या है, कि सिंपल सी बात है कि जो सी फ्लोर है हमारा वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, खुल रहा है, और मिड ओशनिक रिज जो हमने देखी थी अभी इज अ प्रीकर्सर टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। ये मिड ओशनिक रिज है, इसी का मतलब क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओके। सो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई हैरी हेस, ओके। साइंटिस्ट के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हैरी हैमंड हेस, ओके, तो ये इनका नाम था। तो ये हैरी हेस ने थ्योरी तब दी थी, पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी है, ठीक है, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सबसे पहले हमारा वैगनर ने दी थी
उसके बाद ये हैरी हेस ने दी थी। तो हैरी हेस प्रपोज द आइडिया ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग और ही सेड दैट व्हेन ओशनिक प्लेट डाइवर्ज टेंशनल स्ट्रेस कॉजेस फ्रैक्चर टू अकर इन लिथोस्फेयर। अब यहां पे प्लेट का कंसेप्ट आ चुका है। तो आपको पता है कि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी चल रही थी तो तब ये सिर्फ कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, लेकिन रिमेंबर जो अर्थ सरफेस है वो प्लेट्स में, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं उनमें तब्दील हो रखा है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो बड़ी बड़ी लिथोस्फेयर का पार्ट होती हैं। लिथोस्फेयर जो हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ अर्थ में, जो कि ब्रिटल पोर्शन होता है अर्थ सरफेस का, उसका पार्ट होती हैं। ठीक है, एंड दीज आर डिवाइडेड इंटू बिग चंक्स, बिग मासेस ऑफ प्लेट्स। ओके, एंड व्हेन दीज प्लेट्स पुल अपार्ट तो वहां पे क्या है, सी फ्लोर का स्प्रेडिंग होती है। तो जनरली ये ओशन फ्लोर में होता है, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज है, जो कि एक तरीके की मिड ओशनिक रिज है। रिमेंबर मिड अटलांटिक रिज इज अ नेम ऑफ मिड ओशनिक रिज। ओके, तो वहां पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। तो बसाल्टिक मैग्मा, जब मैंने बोला था कि जब जो आपका इस इमेज में आपको दिख रहा है कि मैग्मा ऊपर आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू कन्वेक्शन सेल्स। कन्वेक्शन सेल्स इज अ टाइप ऑफ हॉट मोल्टन मटेरियल ऑफ मेंटल विच आर मूविंग इन अ सेल टाइप फैशन। ओके, सर्कुलर फैशन। तो यहां से मोल्टन मटेरियल जो है वो ऊपर आ रहा है एंड इट इज ब्रेकिंग द ओशन फ्लोर। ओके, एंड ड्यू टू दैट टेंशन इज गेटिंग क्रिएटेड एट दिस रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, वॉल्केनोस बन रहे हैं, साथ ही साथ वॉल्केनो के कारण क्या है, माउंटेन्स बन रहे हैं और जो नया ओशन फ्लोर है वो भी क्रिएट हो रहा है। राइट, ये मैग्मा क्या हो गया, इवेंचुअली कूल हो जाएगा और ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो नए मैग्मा के लिए जगह जो बन जाएगी बीच में बन जाएगी। राइट, तो जो लेट्स से कि यहाँ पे पहले वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, फिर ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। राइट, दिस वाला पोर्शन इज शिफ्टेड हियर और यहाँ पे फिर नया मैग्मा जनरेट हुआ। फिर इस तरीके से क्या है, एक कन्वेयर बेल्ट वाला फैशन हमें देखने को मिल रहा है एंड ड्यू टू दैट न्यू ओशन फ्लोर इज ऑल्सो गेटिंग क्रिएटेड। एंड जो पुराना ओशन फ्लोर है वो कहाँ कंज्यूम हो रहा है, सबडक्शन जोन पे। ये सबडक्शन जोन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो इसको हम अभी देखेंगे आगे जब हम बाउंड्रीज की बात करेंगे। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस ने दी थी। तो यहां क्या होता है, न्यूली फॉर्म सी फ्लोर ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द रिज एंड इट्स प्लेस इज टेकन बाय न्यू सी फ्लोर, इवन न्यू सी फ्लोर, ठीक है, नए मैग्मा से जो जनरेट होता है। एंड द साइकिल रिपीट्स विद टाइम, ओल्डर रॉक्स आर स्प्रेड फार्दर अवे फ्रॉम द स्प्रेडिंग जोन व्हाइल यंगर रॉक्स विल बी फाउंड नियरर टू द स्प्रेडिंग जोन। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जब नया जो मैग्मा होगा वो कहां पे होगा, यहां पे रहेगा, और जो ओल्डर मैग्मा जो बन गया है वो कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड। ओके, दिस साइड। तो सबसे ओल्डेस्ट जो सी फ्लोर होगा वो कौन सा होगा, यहां पे जो सबडक्शन जोन पे रहेगा। राइट, और सबसे यंगेस्ट कौन सा होगा, जो रिज के पास रहेगा वो यंगेस्ट होगा। तो ये बात रही हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के जरिए जो बसाल्ट होता है हमारा, आपको पता है कि जो ओशनिक क्रस्ट में जो रॉक होती है वो हमारी जनरली बसाल्ट होती है, विच इज बेसिक रॉक मेड अप ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, एंड सिलिका। तो इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का आइडिया लिया था। इन्होंने देखा कि भाई करंटली क्या है, इसमें जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैग्नेटाइट मिनरल होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड कर देता है। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्मल है, ठीक है, राइट। और उसने देखा कि भाई जो कम से कम 20 मिलियन साल ईयर पहले या 7 लाख साल पहले, ठीक है, इस तरीके से जो पोलरिटी रिवर्सल हुआ होगा, तो उसने देखा कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है, फिर ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड का है, सॉरी, जो ये व्हाइट वाला है ये रिवर्स है, फिर नॉर्मल है, फिर व्हाइट वाला रिवर्स है। तो इस तरीके से उन्होंने पता लगाया कि भाई ये वाला पोर्शन जो है ओल्ड है, ठीक है, फिर ये यंग है, फिर ओल्ड है, फिर ये यंग है, राइट।
जो पेलियोमैग्नेटिक स्टडीज कर रखी हैं ओशनिक रिजेस की, उसमें कुछ सेवरल फैक्ट्स निकल के आते हैं। उसमें एक ये है कि जो मिड ओशनिक रिज है उसमें जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा सरफेस पे लेके आते हैं, ओशन सरफेस पे, एंड उससे न्यू ओशन फ्लोर क्रिएट होता है। साथ ही साथ जो रिज के आइदर साइड, यानी कि जो रिज है हमारी, ठीक है, जो ऐसे बन रही है, उसके आइदर साइड यानी कि दोनों साइड पे, साइड बाय साइड में जो क्रस्ट होती है वो आपस में रिमार्केबल सिमिलरिटीज शो करती है। मतलब ये एक जैसी लगभग रहती हैं, ठीक है। यहाँ लगभग जैसे बीच में लावा आउटपोरिंग हो रही है, राइट, और ये ऐसे रिज हमारी बन रही है। तो दोनों जो साइड बाय साइड रहती है दोनों में काफी सिमिलरिटीज होती हैं, और केमिकल कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी दोनों की सेम होती है, ठीक है। नाउ रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिज, यानी कि मिड ओशनिक रिज में जो रॉक्स रहती हैं वो अभी नॉर्मल पोलैरिटी की रहती हैं, राइट, एंड साथ ही साथ दे आर यंगर, एंड एज दे मूव अवे फ्रॉम द मिड ओशनिक रिजेस दे आर ओल्डर। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे ओल्डेस्ट ओशन फ्लोर है वो सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि इसके बाद का ओशन फ्लोर जो है वो सबडक्शन जोन में कंज्यूम हो जाता है, ओके। लेकिन वही कॉन्टिनेंटल जो रॉक फॉर्मेशन है, क्योंकि वो लाइट रहती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वजह से, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी रहती है वो 2.7 ग्राम पर सीसी के आसपास रहती है, वो एक्चुअली फ्लोट करती है, एंड ड्यू टू दैट इट इज नॉट सबडक्टेड बीनीथ, ठीक है। तो जो ओशनिक क्रस्ट रहता है वो सबडक्ट हो जाता है क्योंकि वो हैवी रहता है, एंड जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहता है वो फ्लोट करता है एक तरीके से, एंड हैंस इट डज नॉट गेट डिस्ट्रक्टेड, एंड दैट्स वाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज एक्चुअली क्वाइट ओल्ड, 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड होते हैं, जिनको हम क्रेटॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो ओशन फ्लोर के जो सेडिमेंट्स हैं वो बहुत ही थिन हैं, ओके, और जो ट्रेंचेस वगैरह रहती हैं और जो एक तरीके से जो ट्रेंच बनती हैं वो हमारी सबडक्शन जोन में बनती हैं, एंड वहां पे डीप फोकस अर्थक्विक रहते हैं, ठीक है। तो अभी सबडक्शन जोन को हम देखेंगे। तो पेलियोमैग्नेटिज्म की स्टडी यही होती है कि जो हम ओशन फ्लोर की स्टडी करते हैं, एंशंट जो रॉक्स रहती हैं ओशन फ्लोर की, उसमें जो मैग्नेटिक मिनरल रहते हैं वो क्या करते हैं, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेलियो मैग्नेटिक स्टडी कहते हैं, ओके। जैसे कि बसॉल्ट जो रॉक रहती है, जो जनरली ओशन फ्लोर में जो रॉक हमें मिलती है वो बसॉल्ट रॉक रहती है, उसमें मैग्नेटिक मिनरल्स जो रहते हैं, ओके, वो क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो अभी करंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, लाइंस हैं उनकी, जैसे अलाइंड हो जाते हैं वो मिनरल्स, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर रही है, एंड हेंस वी कैन स्टडी देम, ओके, कि भाई ये वाली रॉक कौन सी मैग्नेटिक रिवर्सल में बनी थी, नॉर्मल था उस समय या मैग्नेटिक रिवर्सल, सॉरी, जो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, नॉर्मल था या रिवर्स था, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ओके। सो पैरेलल मैग्नेटिज्म जो है वो क्या है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का और प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो इसको सिंपल एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। हियर यू कैन सी द मैग्मा विच इज आउटपोरिंग, ठीक है। अब जो अभी लेट्स से कि आज के जमाने में जो मिड ओशनिक रिजेस में मैग्मा आउटपोर हो रहा है, उसमें नॉर्मल पोलैरिटी में हमें जो मैग्नेटिक मिनरल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये वाली रॉक्स हैं ये ओल्ड हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे व्हाइट स्ट्रिप्स हैं वो रिवर्स पोलैरिटी के हैं, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि भाई ओशन फ्लोर जो वो है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, ओके। तो ये बात रही हमारी मिड ओशनिक रिजेस एंड ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग की। तो यहां पे आप देख सकते हो पहले ये स्ट्रिप रही रॉक की, इट वॉज नॉर्मल, ठीक है, फिर ये अब यहाँ पे पहुंच गई, हो सकता है कि भाई इस समय रिवर्सल हो जाए, ठीक है, इस टाइम पे, फिर ये वापस में इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर नया लावा, फिर से नॉर्मल पोलैरिटी,
ठीक है, तो इसने रिकॉर्ड कर लिया नॉर्मल, तो इसको हम कहते हैं पेलियो मैग्नेटिज्म। अब आते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी सबसे मॉडर्न थ्योरी है, ये एक तरीके से एडवांस थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, और इसको दिया था मैकेंजी एंड पार्कर ने, ठीक है। तो मैकेंजी पार्कर एंड जेसन मॉर्गन ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कर दिया, क्या क्या इंडिपेंडेंटली आइडियाज करेक्ट किए और इनको टर्म दिया प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट क्या होती है एक्चुअली में, टेक्टोनिक प्लेट एक लिथोस्फेयर का पार्ट रहती है, ठीक है। हमने देखा था पिछली वीडियो में जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें हमने लिथोस्फेयर देखा था, लेट मी जस्ट ब्रिंग द डायग्राम हियर। सो हियर यू कैन सी द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर विच कंसिस्ट ऑफ ओशनिक क्रस्ट एंड योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो दिस इज योर लिथोस्फेयर, ओके, दिस पोर्शन, दिस ब्राउन पोर्शन हियर, दिस होल पार्ट इज योर लिथोस्फेयर, एंड लिथोस्फेयर इज योर सॉलिड एंड रिजिड और यू कुड से ब्रिटल पोर्शन, एंड दिस लिथोस्फेयर इज एक्चुअली फ्लोटिंग ओवर दिस एस्थेनोस्फेयर विच इज सॉलिड बट एक्चुअली डक्टाइल। Ductile means it can deform, and since it can deform, this rigid portion which is lithosphere can actually float or shift over it. Okay, तो ये बात रही हमारी प्लेट की। तो जो प्लेट बनी है टेक्टोनिक प्लेट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लिथोस्फेयर, राइट। तो इसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। सो इट्स एक्चुअली इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेयर, ये आपको ध्यान में रखना है। And these plate move horizontally over the asthenosphere as rigid units. अब जो ये plates की thickness रहती है वो कहीं कहीं पे 5 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर और oceanic वाले sorry continental crust वाले part में कभी कभी ये 200 किलोमीटर तक इनकी thickness पहुंच जाती है। तो इस plate को हम tectonic plate को कभी continental plate भी कह सकते हैं या oceanic plate भी कह सकते हैं, depending upon कौन से वाले region को ये plate occupy कर रही है। अगर ocean में है तो इसको हम बोलेंगे oceanic plate, अगर कॉन्टिनेंटल वाला रीजन इस पे पड़ता है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि पैसिफिक प्लेट है, तो पैसिफिक ओशन को में है तो इसको हम बोलेंगे ओशनिक प्लेट है ये, ठीक है, एक तरीके की। वैसे यूरेशियन प्लेट जो है वो जनरली क्या किसको ऑक्यूपाई कर रही है, यूरेशिया वाले रीजन को ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। जैसे दिस प्लेट इज योर यूरेशियन प्लेट, राइट, एंड 80% ऑफ द रीजन इज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्टिनेंट, राइट। सो इट्स कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट। वही पैसिफिक प्लेट में है तो लगभग 100% रीजन जो पैसिफिक प्लेट का है वो ओशन रीजन में पड़ता है, राइट, पैसिफिक ओशन में पड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे ओशनिक प्लेट। एंड दिस प्लेट इज एक्चुअली हैवियर देन योर कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओके, क्योंकि बसॉल्ट से बनी होती है और हमने ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में भी पढ़ा था। सो दिस प्लेट हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ and it is not the continent that move as believed by Wegener. तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, Wegener की थ्योरी से थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं। Wegener ने continents को बोला था और यहाँ पे हमारी plates आ चुकी हैं, lithosphere plate आ चुकी है। So, तो plate tectonics का concept क्या है कि theory of plate tectonics proposes that the Earth's lithosphere is divided into 7 major and some minor plates, ठीक है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिजेस, ट्रेंचेस, फॉल्ट सराउंडेड दीज मेजर प्लेट्स, ठीक है। तो आपको बताया जैसे हिमालयन है तो हिमालयन कोलिजन से बनाया, दो प्लेट की कोलिजन से बना हुआ है। वैसे ही आपका जैसे जापान है या मरियाना ट्रेंच है वो भी क्या है, सबडक्शन जोन से बना हुआ है। तो कोलिजन एंड स्प्रेडिंग अपार्ट ऑफ दीज प्लेट्स आर कॉजिंग दीज लैंड फॉर्म्स सच एज मिड ओशनिक रिजेस वगैरह, ठीक है। तो कौन कौन सी प्लेट है मेजर प्लेट्स, ये आपको ध्यान में रखनी है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि मेजर प्लेट कौन सी है, माइनर प्लेट कौन सी है। तो सबसे पहले अंटार्कटिका, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, राइट, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर पैसिफिक प्लेट, फिर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया या इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट इसको हम बोलते हैं, अफ्रीका एंड यूरेशिया प्लेट। तो ये है हमारी मेजर प्लेट जो बड़ी प्लेट है, ठीक है। और सब इंपोर्टेंट माइनर प्लेट कौन कौन सी हैं, कोकोस, नास्का, अरेबियन, फिलिपीन, कैरोलिन एंड
फुजी प्लेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा मैप है, तीन चार मैप में मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप कोई सा भी मैप चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू वॉन्ट द PDF ऑफ दिस लेक्चर, रिमेंबर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो आप, एंड आई विल प्रोवाइड दिस PDF टू यू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेट्स को हमने डिवाइड कर रखा है, एंड दिस इज द एक्चुअल डिविजन। ओके, ये शेप जो है प्लेट्स का एक्चुअल शेप शेप है, दिस इज मच बेटर, राइट। तो ये हमारी पैसिफिक प्लेट है, और ये मूवमेंट जो एरोज हैं, ये वेक्टर्स जो हैं, वो मूवमेंट दिखा रही हैं पैसिफिक प्लेट का। तो ये बड़ी प्लेट है, फिर हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये पूरा रीजन जो है, फिर ये साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर ये अफ्रीकन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो जनरली इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को एक ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडियन प्लेट को अलग कर दिया गया है एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग कर दिया गया है, और ये यूरेशियन प्लेट हो गया। फिर ये छोटी छोटी प्लेट जैसे कैरिबियन, नास्का, ठीक है, तो ना जो हमारा पेरू वाला रीजन है, एंडीज माउंटेन्स जो है, वो नास्का प्लेट के सबडक्ट होने से साउथ अमेरिकन प्लेट के ऊपर ये ऐसे सबडक्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमारा एंडीज माउंटेन बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट एंड दिस इज योर नास्का प्लेट, विच इज एक्चुअली एन ओशनिक प्लेट सबडक्टिंग बिनीथ दिस लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑफ साउथ अमेरिका, और यहाँ पे हमारा स्कोशिया प्लेट, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, मैप को बार बार देखिएगा और आपको ये याद हो जाएगा। रिमेंबर नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नाज़का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ, जैसे जहां पे एरोस आपस में एक साथ आ रही हैं, तो वहां पे सबडक्शन जोन हमारे बन रहे हैं, एंड जहां पे एक तरीके से स्प्रेड हो रहा है, मिडोशनिक रिज बन रही है, तो वहां पे क्या एरोस क्या अपोजिट साइड में। ओके, तो आप ये देख सकते हो अरेबियन प्लेट, ईरानियन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और ये जो आपका सैन एंड्रियास वाला पोर्शन है, ये जुआन डी फुका प्लेट, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, कैरिबियन प्लेट, कॉकोस प्लेट, स्कोशिया प्लेट, ऑल दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ये बात रही प्लेट टेक्टोनिक्स की। ओके, नाउ अगर हम इनकी स्पीड की बात करें, तो भाई कितना रेट से ये स्प्रेड कर रही है या सबडक्ट कर रही है, तो जनरली ये जैसे आर्कटिक वाला है, सॉरी मिडोशनिक रिज की बात करें, तो आर्कटिक वाला जो है वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से पुल अपार्ट हो रहा है या स्प्रेड कर रहा है मिडोशनिक रिज, ठीक है, रिमेंबर। लेकिन जो ईस्ट पैसिफिक राइज है ना, तो ईस्ट पैसिफिक राइज आपका ईस्ट पैसिफिक राइज इज हियर, ओके, यस। तो ईस्ट पैसिफिक राइज जो है, नो नॉट दिस वन, आई थिंक दिस वाला, ठीक है। सो दिस पोर्शन ईस्ट पैसिफिक राइज जो है, ये फास्ट स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, दिस वन इज फास्ट स्प्रेडिंग। वहीं जो मिड अटलांटिक रिज है, जो अटलांटिक ओशन के बीच में है, ये वाली रिज, इट इज एक्चुअली स्प्रेडिंग स्लो, ओके, मिड अटलांटिक रिज, और ये जो ईस्ट पैसिफिक राइज है, इट इज फास्ट स्प्रेडिंग रिज, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको लिख देता हूं, फिफ्टीन सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से ये स्प्रेड कर रही है, और जो आपकी मिड अटलांटिक रिज है, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से स्प्रेड कर रही है, ठीक है। तो अगर हम बैथीमेट्री भी देखेंगे, यानी कि जो इसकी टोपोग्राफी देखेंगे, तो इन दोनों में काफी फर्क है, बट वो थोड़ा डीप हो जाएगा, तो इसमें हम जाएंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का और सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स का, ठीक है। तो किस किसने दिया था, ये सब मैंने समराइज कर रखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। इसको आप पॉज करके क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो उसको। तो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इन सब के बारे में,
तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ये एक कन्वीनियंट के तौर पे आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यू कैन पॉज इट, लेट मी जस्ट, ओके आई एम, यू कैन पॉज इट राइट नाउ एंड टेक द नोट्स। देन यू कैन पॉज इट हियर एंड टेक द नोट्स। तो आगे हम देखते हैं प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, देखते हैं कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स की बात तो हमने कर ली, तो प्लेट बाउंड्रीज यानी कि दो प्लेट के बीच की बाउंड्रीज किस किस तरीके की बाउंड्रीज होती हैं वो हम देखते हैं। देखो एक होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड एक होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ओके, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब जहां पे मिड ओशनिक रिज बन रही है उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पे देख रहे हो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर खिंच रही है, ठीक है। तो यहां पे आपने देख लिया होगा दिस वन इज योर डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, फिर कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा, जब प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, तो कन्वर्जेंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ पे सबडक्शन जोन वाला टाइप दे रखा है कि ये सबडक्ट कर रही है, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट के ऊपर, कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर। फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी कि एक दूसरे के से स्लाइड कर रही है इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्म। ओके, अब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। वो कौन होती हैं, एक तो या तो ओशनिक 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 और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच, या ओशनिक और ओशनिक प्लेट के बीच, या बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो दोनों का, तीनों का एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो जो ओशनिक प्लेट होती है वो हैवी होती है, रिमेंबर, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो लाइट होती है। तो ऑब्वियसली जो हैवियर प्लेट होगी वो क्या करेगी, सबडक्ट करेगी, ठीक है, और यहां पे बनेगा हमारा ट्रेंच। तो बेस्ट एग्जांपल कहां पे है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ही आपको दिख रहा है, ठीक है। सो दिस वन इज योर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल, ओके, दिस वन ये ओशनिक प्लेट है और ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दिस कॉन्टिनेंटल प्लेट इज राइट लाइटर एंड देन दैट्स व्हाई इट इज फ्लोटिंग अबव द ओशनिक प्लेट, एंड ओशनिक प्लेट इज एक्चुअली गोइंग डाउन। वैसे ही अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों का कोलिजन हो रहा है, तो हिमालय उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो होगा क्या कि जब दोनों लाइट प्लेट होंगी तो कोई से भी सिंक नहीं करेगी और ये आपस में एक बहुत बड़ी माउंटेन चेन बना देगी, ठीक है, जैसे कि हिमालय। वैसे अगर ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट आपस में कन्वर्ट करनी है तो उसमें से वन ऑफ द प्लेट जो कि लाइटर होगी वो ऊपर आएगी और जो हैवियर होगी वो नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये बात रही हमारी प्लेट बाउंड्रीज की। वैसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का अच्छा एग्जांपल सैन एंड्रियास फॉल्ट आपने देखा होगा, जो कि यूएसए में है। यहाँ पे, ठीक है, तो ये सैन एंड्रियास फॉल्ट है, यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल्ट है और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। तो इफ आई जस्ट जूम इट, here you can see the joined the Pacific plate and North American plate, और यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ओके, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, ठीक है, ये आपकी कैरिबियन रीजन में, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, जो मिड ओशनिक रिजेज में भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज रहती हैं ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो मिड ओशनिक रिज एक जैसी नहीं रहती है, यहाँ पे क्या होती है ऑफसेट होते रहते हैं ड्यू टू द डिफरेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि इक्वेटर पे वेलोसिटी अर्थ की अलग रहती है, ठीक है, और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाओगे वहां पे वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, तो प्लेट पे भी ये फर्क पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हियर ऑल्सो। ओके, तो ये बात रही प्लेट बाउंड्रीज की। ओके, तो इंडिया का मूवमेंट आपने देख लिया था, प्लेट बाउंड्री इंडिया प्लेट का, ठीक है, आप देख सकते हो कि जैसे 17 मिलियन ईयर्स पहले ये पैंजिया से, सॉरी गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुआ और धीरे धीरे करके ये नॉर्थ की तरफ अपना यूरेशियन प्लेट से टकराया और यहाँ पे हमारे माउंटेन्स बने हुए। ओके,
ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चेकआउट कर सकते हो पॉज करके।